केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तैयार हैं आप लोग? मैथ मैथ 13.2 चैप्टर 13 है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्लास 10 से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी किताब पेन लेकर के बैठ जाइए, मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग तैयार हैं? चलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से दिया हुआ है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। शेप ऑफ ए कोन, ए सॉलिड जो है वो कोन के शेप का है, और ये कोन कहां पर है? स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर पर मतलब ये आधा गोला है। हेमिस्फीयर जो एक बाउल कटोरा टाइप का होता है, ऐसे गोल जैसे बच्चे बॉल खेलते हैं तो आधा काट दीजिए तो वो जो शेप बनता है वो हेमिस्फीयर होता है। तो हेमिस्फीयर पर यह कोन खड़ा है, हेमिस्फीयर पर यह कोन खड़ा है। विद बोथ देयर रेडियाई, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल, मतलब क्या है रेडियाई का मतलब यहाँ पर क्या? यहाँ पर हेमिस्फीयर का रेडियस और ये कोन का रेडियस दोनों सेम है, मतलब है कि इसका रेडियस हेमिस्फीयर का और कोन का रेडियस दोनों सेम है और ये 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ एंड द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब है कि हाइट जो है वह 1 सेंटीमीटर है। हाइट रेडियस इक्वल है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हाइट हो गया 1 सेंटीमीटर। और ये हाइट किसका है? कोन का, कोन हाइट ऑफ द कोन है। तो आपको बताना है क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इसमें मतलब ये है कि आप इसका वॉल्यूम बताना है, किसका वॉल्यूम बताना है? हेमिस्फीयर का नहीं, कोन का नहीं, दोनों का। ये जो सॉलिड फिगर बन रहा है, ये कोन या कोन और हेमिस्फीयर जो मिला करके ये जो सॉलिड फिगर बन रहा है, इस पूरे का आपको वॉल्यूम बताना है। और किसमें बताना है? पाई में, पाई के टर्म में बताना है, मतलब इसे पाई की वैल्यू आपको नहीं पुट करना है, पाई को पाई ही रखेंगे। तो सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, अभी सॉलिड में दो फिगर, दो सॉलिड इंक्लूड है, पहला हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है, ये हेमिस्फीयर इसका आधा हो जाएगा, 4 का आधा हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3 πr³। और प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है? 1/3 πr² h। इसमें 1/3 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया, बचा है यहाँ पर 2, आर बचा है, आर स्क्वायर कॉमन मिल जाए, यहाँ बचेगा आर, 2r प्लस यहाँ 1/3 πr² कॉमन कर दी, यहाँ बचा एच। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 1/3 π की वैल्यू को हम 22/7 नहीं पुट करेंगे, पाई को हम पाई ही रखेंगे। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 × r, आर की वैल्यू 1 है प्लस यच, यच की वैल्यू भी 1 है, तो ये आया π/3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो π/3 इधर आ गया और ये 2 × 1 2+1 3 हो जाएगा, तो ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई आ गया, तो π cm² आ गया आंसर, π cm² इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिखना। इसको मिटा दे रहा हूं, अब
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू पहले लिख ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर टू, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू लिखा हुआ है, आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। जब तक आप क्वेश्चन की स्टोरी को नहीं समझोगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टोरी को समझना है, क्वेश्चन की स्टोरी क्या है, उसके बाद से हम डाटा लिखते हैं क्या क्या डाटा दिया हुआ है, और फिर हम क्या देखते हैं कि क्या इसमें पूछ रहा है। तो हमें पहला काम क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना समझना। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए समझ लीजिए, उसके बाद से डाटा लिखिए क्या क्या दिया हुआ, फिर उसके बाद से हमको क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है वो करना है। तो शुरू करते हैं। देखो दिया हुआ है रचे, रचे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है रचे। इससे कहा गया था कि मेक ए मॉडल, एक मॉडल बनाना था लाइक ए सिलेंडर विद टू इन टू कोन्स। मतलब एक मॉडल बनाना था, मॉडल इस तरह से होना चाहिए कि एक सिलेंडर हो और इस सिलेंडर के दोनों किनारों पर, इस किनारे पर और इस किनारे पर कोन लगे हों, इस किनारे पर और इस किनारे पर कोन लगे हों, ठीक है। और इसको एल्युमिनियम शीट का यूज करके, ये जो बनेगा, ये जो मॉडल बनेगा वो एल्युमिनियम शीट से बनेगा। एल्युमिनियम शीट से मतलब क्या है, ये जो सिलेंडर बनेगा एल्युमिनियम शीट का बनेगा, ये जो कोन बनेगा एल्युमिनियम शीट का बनेगा, दूसरा कोन जो बनेगा वो भी एल्युमिनियम शीट का बनेगा। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द
मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 3.3/2 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। किसका रेडियस? सिलेंडर का रेडियस, और वही रेडियस कोन का भी होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा, कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस दोनों का रेडियस सेम होगा 3/2, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का लेंथ है। किसका लेंथ है? ये जो मॉडल है, इस मॉडल का पूरा लेंथ, मॉडल कहां से कहां था, यहां तक मॉडल है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मॉडल है, इस पूरा लेंथ 12 सेंटीमीटर का है। तो इस 12 सेंटीमीटर में इसकी हाइट क्या दिया हुआ है? इफ ईच कोन हैज ए हाइट 2 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कोन है, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां भी 2 सेंटीमीटर कोन की हाइट दिया हुआ है, हर कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट तो 2 सेंटीमीटर इधर से निकाल दीजिए, 2 सेंटीमीटर इधर से निकाल दीजिए, मतलब 2 इधर 2 इधर 4 निकल जाएगा, 12 में से पूरा 12 यहां से लेकर यहां तक 12 है, तो 12 में ये 2 सेंटीमीटर हाइट है कोन का और 2 सेंटीमीटर हाइट है इस कोन का, तो दोनों कोन की हाइट को निकाल दीजिए, तो 12 में से 2 निकल गया, 2 निकल गया 4, 12 में से 4 निकल गया तो 8 सेंटीमीटर। तो ये जो है हाइट, ये हाइट है, ये जो हाइट है वो हाइट ऑफ सिलेंडर ये है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर कैसे आया? 12 सेंटीमीटर का ये है, इस इधर से 2 निकाल दीजिए, इधर से 2 निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 12-4=8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये इसका रेडियस, ये इसका हाइट हो जाएगा। किसका? हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हो गया। अब करना क्या हमको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल। अब ये जो मॉडल है ये खोखला है, मतलब है ऐसे इस तरह से मॉडल, इस तरह से खोखला है, इस तरह से मॉडल है, मॉडल खोखला है, इधर से कोन लगा हुआ है इस कोन किनारे पर, और इस किनारे पर कोन लगा हुआ है, इस किनारे पर कोन लगा हुआ है, ऐसे खोखला है, तो खोखला इसका मतलब इसके अंदर हवा भरा हुआ है, तो वो हवा जो भरा हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो उसका वॉल्यूम वही होगा जो इस मॉडल का वॉल्यूम, क्योंकि हवा जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है, हवा को जिस बर्तन में रखा जाएगा उस बर्तन का शेप हवा ले लेगा। तो ये मॉडल जो है ये इस टाइप का है, इधर कौन है, इधर कौन है, सिलेंडर है, तो इस पूरे में हवा भरा हुआ है, तो हवा का वॉल्यूम जो होगा वही होगा जो इस मॉडल का वॉल्यूम होगा, क्योंकि इस मॉडल में हवा भरा और हवा का शेप नहीं होता, कोई नेप, कोई शेप फिक्स नहीं होता है, वह जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का शेप ले लेगा। तो ये इस रॉकेट की तरह से तो इसी का शेप ले लेगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, लिखेंगे पाल पूरा क्लियर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू, ये कोन का वॉल्यूम हम अलग अलग दो बार निकालेंगे, क्योंकि एक कोन का वॉल्यूम वही होगा जो इस कोन का वॉल्यूम होगा, तो हम एक कोन का वॉल्यूम निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों कोन का वॉल्यूम निकल जाएगा, हम दो बार निकालेंगे, क्यों टाइम लॉस करने जाए, हमारा टाइम बचेगा, तो 2 इंटू लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ कोन, फार्मूला लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2 इंटू, और इसकी वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 πr² h। अब देखो इसमें चालाकी क्या करते हैं हम, πr² h है, दोनों πr² h पाई एच, अब हम इसमें वैल्यू रखें, इसमें वैल्यू रखें एच का, इसमें वैल्यू पाई का रखें, इसमें वैल्यू आर का रखें, एच की वैल्यू रखें, अलग अलग निकालें, सॉल्व करें, फिर ऐड करें, इतना टाइम हम लास्ट क्यों करने जाए, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे,
कॉमन सेंस की बात है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, ये हो रहा है 2 upon 3, तो यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, 3 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 5 upon 3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉल्व करने पर इतना आया। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, 5 upon 3 पाई की वैल्यू 22 upon 7, आर की वैल्यू है यहाँ पर, आर की वैल्यू 3/2 दिया हुआ है, तो 3 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 3/2 × 3/2, और एच की वैल्यू, एच की वैल्यू मतलब क्या है, इस सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट 8 है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 4, 4 से 8 कट गया 2 बार में, बचा क्या 5 बचा × 2 बचा, 5 × 2 = 10, 10 से मल्टीप्लाई करें 22 में तो 2 × 2 = 0 आ जाएगा, और नीचे बचा 7 cm³। वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूबिक, तो सेंटीमीटर क्यूबिक आप इतना ही करके छोड़ दीजिए, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो या डेसिमल में चेंज करो, जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन करने हैं तभी। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो और मिक्स फ्रैक्शन गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा, और अगर आप इतना दूर तक करते हो तो नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। और अगर आप नहीं आ रहा है करने, अब और आपने जबरदस्ती मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया वो गलत हो गया, तो फिर नंबर कट जाएगा। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज कर रहे हो और डेसिमल चेंज करने में गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा, और आप इतने ही करके छोड़ दे तो पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि काम वही करना चाहिए जो आता हो। अनस्किल्ड कारीगर जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे डॉक्टर है, अनस्किल्ड डॉक्टर है, मतलब कुछ पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, और वो ऑपरेशन करने बैठा तो आदमी किसी में पेशेंट का डेथ हो सकता है, तो वो उसका पेशेंट, वो उसका ऑपरेशन एक मर्डर माना जाएगा, क्योंकि उसको आ नहीं रहा था, फिर भी उसने जबरदस्ती ऑपरेशन किया, तो ये उसका मर्डर है। लेकिन एक कुशल डॉक्टर, जो स्किल्ड डॉक्टर होता है, वो ऑपरेशन करता है और उस बीच में आदमी मर जाता है, पेशेंट मर जाता है, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होता है। तो अगर आए तो करिए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए, यहीं तक करिए। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो इसका, मैं मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की स्टोरी को समझिए, फिर क्या क्या दिया हुआ है डाटा वो लिखिए, फिर क्या पूछ रहा है वो लिखिए, फिर इसके बाद से प्रोसीजर करिए, आगे सोल्यूशन का प्रोसेस करिए। तो पहले क्या क्या दिया, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन का स्टोरी क्या, क्वेश्चन का मतलब क्या है। इसमें लिखा हुआ है एक गुलाब जामुन, आप देखे गुलाब जामुन जो काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का, इस तरह से होता है गुलाब जामुन, इस तरह से गुलाब जामुन होता है, ये गुलाब जामुन है। ये कैसे बना होता है, ये शुगर के सिरप, मतलब चीनी की चाशनी में यह गुलाब जामुन डुबोया जाता है, उसी गुलाब जामुन में ये उसी चाशनी में, मतलब उस शुगर के चीनी के चाशनी में यह गुलाब जामुन डुबोया जाता है, तो वही शुगर सिरप लिखा हुआ। शुगर सिरप का मतलब वही चाशनी जो जिसमें डुबोते हैं, वही चाशनी होता है, वही शुगर सिरप कहलाता है। तो इसमें ये पूरा का पूरा गुलाब जामुन नहीं होता है, इसमें 30% सिरप होता है, 30% जो है इसका सिरप होता है, किसका सिरप होता है, चीनी का सिरप होता है, चीनी के सिरे का सिरप होता है। पूरा गुलाब जामुन नहीं, तो पूरा गुलाब जामुन तो आटे और मैदे का बना होता है, वो होता है, और 30% इसमें चीनी का जो सिरप होता है, चीनी का जो चाशनी होता है वो होता है, और 70% में मटीरियल होता है। मटीरियल में हो सकता है आटा हो या खोआ हो या जो भी मैदा हो या जो भी मटीरियल हो, 30% इसमें शुगर का सिरप मिला होता है। जितना इसका वॉल्यूम होता है उसका 30% चाशनी, मतलब शुगर का सिरप इसमें मिला होता है, 30% इसमें मिला होता है, ये 30% दिया हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये मैं नहीं कर रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ 30% जो शुगर का सिरप होता है इस गुलाब जामुन में 30% उसका शुगर का सिरप होता है। नेक्स्ट लिखा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब इसी तरह का एक गुलाब जामुन नहीं 45 हम तो बनाए हैं जो वो केवल दिखाने के लिए बनाए हैं, ऐसे ही 45 गुलाब जामुन होंगे, ये तो कम है आप समझ लीजिए 45 गुलाब जामुन है ये 45 गुलाब जामुन। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, ये सिलेंडर की शेप का है, सिलेंडर ये सिलेंडर है एंड विद टू हेवी स्पिंकल ये जो है ये जो किनारे किनारे हैं ये हेवी स्पीयर है विद लेंथ 5 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में क्या क्या इंक्लूड है, 5 सेंटीमीटर में टोटल लेंथ ये जो गुलाब जामुन का लेंथ है पूरा गुलाब जामुन का लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर ये पूरा गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन में यहाँ से यहाँ तक तो ये सिलेंडर है सिलेंडर पार्ट है उसकी हाइट कुछ और होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो रेडियस होगा हेमी स्पीयर का वो कुछ और होगा, ये हेमी स्पीयर है हेमी स्पीयर का रेडियस कुछ और होगा। तो ये टोटल हाइट है ये टोटल हाइट टोटल लेंथ है ये टोटल लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन का टोटल लेंथ है। तो ये सिलेंडर का हाइट नहीं है सिलेंडर का हाइट निकालना पड़ेगा। तो देखो इसकी रेडियस है हाइट हाइट ऑफ द सिलेंडर, पहले हम सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। तो ये देखो कितना हाइट दिया हुआ है ये टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये गुलाब जामुन का हाइट है। इस 5 में से हम माइनस करेंगे क्या ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस यहाँ से इसका रेडियस यहाँ से ये माइनस करेंगे इसका रेडियस दिया हुआ है 1.4 इधर से और 1.4 इधर से माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया 5 - 2.8 ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर ठीक है। सेंटीमीटर ये हाइट हो जाएगा सिलेंडर का ठीक है। अब हम निकाले जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन में तीन फिगर है एक सिलेंडर एक हेमिस्फीयर एक दूसरा हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इस गुलाब जामुन कौन कौन इंक्लूड है तो ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हम दो बार नहीं निकालेंगे दो बार हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दो बार अलग अलग नहीं निकालेंगे एक बार निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई करें। हम दो बार क्यों मल्टीप्लाई करें दो बार क्यों निकाले जाए हमारा टाइम लॉस होगा आंसर तो वही आएगा। तो हम आप लिख रहे हैं इसको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और ये 2 × हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो हेमिस्फीयर मतलब आधा का तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 4 का आधा 2 हो जाएगा तो 2/3 πr³ ये हो जाएगा πr² और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4/3 πr² तो पाई कॉमन ले लें पाई कॉमन हुआ आर स्क्वायर कॉमन हुआ तो बचा यहां पर एच और प्लस यहां बचा 4 / 3 और यहां आर बचा। अब यहां वैल्यू रख दीजिए 22/7 × r r की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 1.7 लिखा है 1.7 को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं तो 14/10 एक डेसिमल एक प्लेस है तो 10/10 कर दिया 2 से कट जाएगा ये आ जाएगा 7/5
और ये स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 7/5 × 7/5 और ये ब्रैकेट में यच यच की वैल्यू है इसमें 2.2 आया। 2.2 को हम चेंज करेंगे 2.2 को तो लिखेंगे 22/10। 2.2 को हम लिख सकते हैं 22/10। 2 से काट देंगे तो 11 बार में कटेगा और नीचे 5 बार में कटेगा प्लस 4/3 × r। r की वैल्यू है 1.7, ये लिखेंगे 7/5। अब ये सॉल्व करने पर आएगा, इसकी वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद 25.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25.05 सेंटीमीटर ये हुआ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वन गुलाब जामुन, ये वन गुलाब जामुन का है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कितने गुलाब जामुन है, 45, तो 45 गुलाब जामुन। से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25.05। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा आंसर इसका, ये आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूबिक, स्क्वायर नहीं क्यूबिक है, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक होता है, सेंटीमीटर क्यूबिक। ये आ गया, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें 30% जो गुलाब जामुन है उसमें 30% पूरा मेटीरियल तो है नहीं, आटा या खोआ का या जो भी मेटीरियल होता है वो है नहीं, इसमें 30% जो है वो गुलाब जामुन का चाशनी है, मतलब है शुगर का चाशनी है, मतलब शुगर का वो शुगर का सिरप है। तो वॉल्यूम इसमें पूछा क्या हुआ है, इसमें पूछा क्या हुआ है, हमें निकालना क्या है इसमें, हाउ मच सिरप वुड बी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां से दिया हुआ हाउ मच सिरप वुड बी इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, मतलब कितना चीनी होगा, जितना चीनी का चाशनी होगा वो हमें बताना है। तो 30% है तो 30% निकाल लो इसका, तो इसका लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ 1127.25। 30% को लिखेंगे 30/100 इंटू 1127.25। सॉल्व करने पर ये आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये क्या है, ये है शुगर का सिरप, 45 गुलाब जामुन है, उस 45 गुलाब जामुन में इतना सिरप घुला हुआ है, इतना सिरप घुला हुआ है, और जो 45 गुलाब जामुन है उस 45 गुलाब जामुन में उसका कुल वॉल्यूम, 45 गुलाब जामुन का कुल वॉल्यूम इतना है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूबिक, पूरा गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम है। अब इतने वॉल्यूम में 30% जो है सिरप, शुगर का सिरप घुला हुआ है, तो ये 30% निकाल देंगे इसका, ये आ जाएगा। तो इतना वॉल्यूम मतलब है कि 338 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम जो है शुगर का चाशनी घुला हुआ है। ठीक समझ में आएगा, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो इसका, मिटा दे रहा हूं उसको।
आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फोर बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको समझा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का स्टोरी क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्या दिया हुआ है और क्या आपको करना है, क्या निकालना है। तो क्वेश्चन का स्टोरी पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन का स्टोरी क्या है, ए पेन स्टैंड, पेन स्टैंड आप लोग देख रहे होंगे, पेन स्टैंड होता है, पेन स्टैंड एक होता है, ये लकड़ी का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, ये वुड का बना हुआ है और ये वुड जो है क्यूबॉर्ड, क्यूबॉर्ड के शेप का है, इस तरह का क्यूबॉर्ड है, उसमें ये बना हुआ है, उसमें ये थे फोर पेंस है, ये इसी तरह का फोर पेंस है। तो फोर पेंस को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए ये इस पे डिप्रेशन किया गया, डिप्रेशन मतलब गड्ढा बनाया गया है। और वो गड्ढा कैसे है, कोनिकल इस तरह का गड्ढा है, ये गड्ढा अलग से बना के दिखाए, इसी तरह का गड्ढा ये पाला वाला भी, ये पाला वाला सर्किल से दिखाया, ये गड्ढा ये चारों जो है गड्ढे हैं, और ये गड्ढे कहाँ तक हैं, ये यहाँ तक हैं, इस तरह से गड्ढे बने हुए, इस तरह से गड्ढे बने हुए। तो ये चारों कोण से इस तरह का, तो इस कोण का ये रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है, और इसकी हाइट दिया हुआ है, कोण की हाइट, ये कोण की हाइट दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। और ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है, जो क्यूबिकल वुड है, ये जो लकड़ी का क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये इसका डायमेंशन दिया, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हो रहा है, तीनों दिया हुआ है। तो डायमेंशन दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन होते हैं। तो यल 15 सेंटीमीटर है, बी 10 सेंटीमीटर है और एच 3.5 सेंटीमीटर है। और इसमें और दिया हुआ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, हर डिप्रेशन मतलब हर गड्ढे का, तो चार गड्ढे हैं तो हर गड्ढे का इसमें डिप्रेशन दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, हर डिप्रेशन का रेडियस दिया हुआ है, ये जो 0.5, तो इसी तरह के इस चार गड्ढे हैं तो इसी तरह के चार कोण बनेंगे, तो सबका रेडियस 0.5 होगा। और इसका डेप्थ मतलब क्या है, ये जो यहां से यहां तक है, ये इसकी गहराई है, कोण की गहराई, मतलब ये जो गड्ढा बना हुआ है उसकी गहराई 1.4 सेंटीमीटर, ये डेप्थ दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड, क्या बताना है आपको, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, तो आपको वॉल्यूम बताना है, किसका वॉल्यूम बताना है, क्यूब का नहीं, इस कोण का नहीं, इस कोण में जो गड्ढे बने हुए हैं वहां से तो वो लकड़ी काट करके निकाल दिया गया होगा, ये जो स्टैंड बना हुआ है उसमें गड्ढे बने हुए हैं। तो अगर हम पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं और फिर उसमें से ये चारों गड्ढे का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो जो बचा है वो उस ये स्टैंड का, ये पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम ऑफ द कोण निकालेंगे और फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चारों कोण का वॉल्यूम निकलेगा, चारों कोण मतलब चार गड्ढे, चार कोण का मतलब है चार गड्ढे का वॉल्यूम निकालेंगे, तो चारों गड्ढों का वॉल्यूम अलग अलग नहीं निकालेंगे, एक का निकालेंगे और फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चारों का हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। बस हो गया, बस यही काम करना है। तो निकाल रहे सोल्यूशन में, ये देखो लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, डेप्थ दिया हुआ है 1.4, ये डेप्थ किसका है, ये जो डेप्थ है ये है कोण का, ये कोण की हाइट है और ये रेडियस दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ इंटायर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ इंटायर पेन स्टैंड, पेन स्टैंड में ये है, पेन स्टैंड इसको कहा जाएगा जो गड्ढा, ये कोण है, ये जो क्यूबॉइड है उसमें जो गड्ढे बन गए हैं, ये है पेन स्टैंड। और ये जो क्यूबॉइड है वो तो, ये तो कोण है उसका एक मॉडल है, उसमें जो गड्ढे बनाए गए हैं ये स्टैंड है। तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ, पहले क्लियरली देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस करेंगे इस क्यूबॉइड में से ये गड्ढा किया गया है, मतलब उसमें से गड्ढा करके ये लकड़ी
कोन के शेप का लकड़ी निकाल दिया गया है, तब तो वो गड्ढा होगा, तब तो उसमें पेन रखाएगा। तो ये निकाल दिया गया, तो इसको माइनस कर देंगे, तो इसको लिखेंगे फोर, फोर से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि फोर फोर गड्ढे हैं, तो फोर इंटू वॉल्यूम हो जाएगा कोन का, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्यूबाइड एल इंटू बी इंटू एच माइनस फोर इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दीजिए इसमें, एल की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू है 3.5 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, पाई की वैल्यू क्या रखना है इसमें, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रखना है, आर आर की वैल्यू है 0.5 से मतलब है 5/2, 0.5 का मतलब है 1/2, 0.5 मतलब लिखेंगे 5/10, ये डेसिमल वन प्लेस पर तो एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो 5/10 होगा, ये कट के आ जाएगा 1/2, 5 1 5 5 2 10 1/2, तो 1/2 और दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 1/2 इंटू 1/2 और एच, एच की वैल्यू हाइडेप है इसका 1.4 है, 1.4 को इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे, 1.4 को कैसे लिखेंगे, 1.4 को हम लिख सकते हैं 14/10, 2 से कट जाएगा, 7 बार और 2 से 5 बार, 7/5, तो 7/5, 15 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3.5, 35 का 15 मल्टीप्लाई, 15 5 75, 7 कैरी, 15 3 45 और 7 52 माइनस 7 × 22 यह आ गया 58 इंटू 7/, यह 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल 82 हो गया, यह बचा 3 × 2 3 × 2 × 2 4 3 12 5 60। सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा इसका 523.53 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद से आंसर आएगा, आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेना घर पर, ये आंसर आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर मिटा रहा हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है, क्वेश्चन का स्टोरी क्या है, फिर क्या क्या दिया हुआ डाटा वो लिख लीजिए, फिर निकालना क्या है वो लिख लीजिए, फिर आप आगे का प्रोसेस करिए। तो सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें देखो दिया हुआ है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है, वेसल मतलब बर्तन होता है, ये बर्तन है, यह इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन मतलब ऊपर उठा हुआ, ऐसे है इस शेप में, ऐसे इन्वर्टेड ऊपर उठा हुआ, ये कोन है, इस तरह का बर्तन है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ये हाइट है इसका, हाइट है 8 सेंटीमीटर, किसका, कोन की हाइट है, ये कोन की हाइट 8 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ इट्स टॉप, रेडियस ऑफ इट्स टॉप मतलब ये टॉप, ये जो सर्कुलर सर्कुलर पोर्शन है वो टॉप पर है, तो इसका रेडियस दिया हुआ है टॉप विच इज ओपन, ये जो ऊपर वाला टॉप है जो सर्कुलर वाला रीजन, जो सर्कुलर रीजन होता है ऐसे,
वो टॉप है वो ओपन है, खुला हुआ है, ताकि उसमें लेड शॉट डालना है। लेड का एक शॉट, लेड की गोली होती है, लेड की गोली गोल गोल होता है सर, स्प्रिंकलर शेप में, वो इसमें डालना है। तो यह खुला रहेगा तभी तो डाल पाएंगे। तो ये खुला हुआ है और ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस, ये रेडियस जो 5 सेंटीमीटर का है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसकी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये हाइट जो है 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया, किसका है, कौन का हाइट है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द बीम, और ये जो बर्तन है ये इसमें पूरा बर्तन भर, बर्तन में पानी भरा हुआ पूरा ऊपर तक, ये पूरा ऊपर लबालब पानी भरा हुआ है, पूरा मतलब इसमें पानी और रखने का जगह नहीं, पानी बिल्कुल भरा हुआ है एकदम ऊपर ब्रिम तक, एकदम लेवल तक, ऊपर के लेवल तक पानी भरा हुआ है। वेन लेड शॉट्स मतलब वो शीशे की गोली जो बच्चे खेलते हैं, कंच वाली गोली जो आप लोग कहते हैं कंचा की गोली, लेड शॉट्स ईच ऑफ विच ए स्फीयर रेडियस 0.5, ये सभी जो है 0.5 जो गोले है, ऐसे कंचे गोले डाले जा रहे हैं, इसमें गोले डाले जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे गोले इसमें डाले जा रहे हैं। तो ये जो कंचे हैं उसका वो भी स्फीयर है, स्फीयर है तो उसका भी वॉल्यूम होगा, तो उसका जो रेडियस है 0.5 दिया, 0.5 दिया, ये मान लो R1 है, R1 है 0.5, R1 0.5, और ये R जो है 5 सेंटीमीटर, इस कोन का रेडियस, इस कोन का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और जो गोली है छोटी होती है, क्योंकि गोली छोटी होती है तो वो उसका रेडियस है 0.5, इसका 5 सेंटीमीटर और उसका 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये दिया हुआ है। और वो लेड शॉट मतलब क्या, कितने बहुत सारी गोली डाल रहे हैं, बहुत सारी गोली इसमें डाल रहे हैं, तो जब गोली डाला जा रहा है तो क्या होगा, पानी बाहर गिरेगा, आर्किमिडी का प्रिंसिपल होता है, जब किसी वस्तु को पानी में पार्शियली या कंप्लीटली डाला जाता है तो उसमें डूब जाती है, डूब जाएगा तो क्या करेगा, वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाएगा, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को, जब किसी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये होता है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में, किसी पानी में, किसी लिक्विड में डालते हैं तो वस्तु उसमें डूब जाती है, तो वह वस्तु अपने वॉल्यूम के बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हटाता है, डिस्प्लेस करता है, यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो ये जो जितने गोली हैं सभी अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हटाएगा, मतलब पानी को बाहर कर देगा, पानी बाहर गिर जाएगा। तो इसमें पूछा हुआ है कुछ गोली, अब ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ गोली डाला जा रहा है, ड्रॉप इनटू द वेसल, कुछ गोलियां इसमें डाला जा रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, 1/4 ऑफ द वाटर, मतलब जितना पानी है इसमें कितना पानी है, इसका इसके इस बर्तन का पानी, इस बर्तन कितना पानी आ सकता है इसके वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, लिक्विड जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का शेप ले लेता है। तो इस बर्तन में रखा हुआ है और इस बर्तन में पूरा पानी भरा हुआ, तो इस पानी का आयतन, इस पानी का वॉल्यूम वही होगा जो इस कोन का वॉल्यूम होगा, तो कोन का वॉल्यूम इक्वल टू पानी का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम, दोनों सेम होगा। तो इसका 1/4 पानी, जितना पानी है उस पानी, मान लो 4 लीटर पानी है, तो 4 लीटर पानी में से 1/4 मतलब 1 लीटर पानी गिर जा रहा बाहर, क्यों गिर जा रहा है, गोली डालने से, क्यों गोली डाल रहा है, क्यों गाली, क्यों गोली से निकल जा रहा है, क्योंकि गोली अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाता है, तो ये अपने पानी बराबर वॉल्यूम हटाए, तो ये अपने अपने वॉल्यूम का 1/4 पानी को फ्लो करने का बाहर गिर जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट, कितने लेड शॉट होंगे, लेड शॉट होंगे ये बताना है आपको, नंबर ऑफ लेड शॉट, कितनी गोली डाला गया है ये बताना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो वन, अब इसमें देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर हाइट का कोन का हाइट दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर ये रेडियस दिया हुआ है, तो इसका रेडियस हो गया आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये इसकी हाइट है, एच इक्वल टू हो गया, ये दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। अब इसमें गोली डाला जा रहा है, इसमें गोली डाल रहा है, इस तरह से गोली, छोटी छोटी गोली डाली जा रही है, कई गोली डाली जा रही है, अब कितना गोली डाला जा रहा है वही पूछ रहा है, कितना गोली डाला जा रहा है। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यह होता है कि अगर किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो वह वस्तु अपने वॉल्यूम के बराबर, अपने आयतन के बराबर पानी को डिस्प्लेस करता है, पानी को हटाता है,
मतलब जितना उसका वॉल्यूम रहेगा अपने वॉल्यूम के बराबर पानी पटाए। मान लो एग्जाम्पल एक शब्द है, एक गोली का एक गोली का वॉल्यूम है 16 सेंटीमीटर क्यूबिक इस गोली का वॉल्यूम है। तो जब इस पानी में डुबोया जाएगा तो ये अपने 16 सेंटीमीटर क्यूबिक पानी को हटा देगा, क्योंकि पानी में अपना जगह बनाता है। तो ये अपने पानी में जगह बनाएगा तो 16 सेंटीमीटर क्यूबिक पानी को हटाएगा, तभी तो अपना जगह बनाएगा, उसमें डूबेगा। तो ये 16 सेंटीमीटर पानी कहाँ जाएगा, तो ये पानी ऊपर आ जाता है, पानी इस बर्तन में ऊपर आ जाता है। अगर दो गोली डालेंगे तो 16 × 2 = 32 सेंटीमीटर क्यूबिक पानी ऊपर आ जाएगा, पानी का लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा, पानी को हटाएगा, एक्विटी का प्रिंसिपल है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितनी गोली डाला जा रहा है, कि 1/4 ऑफ द वाटर। अब इससे पानी कितना है, इस कोन में कितना पानी, इस कोन एक बर्तन, मान लो कोन एक बर्तन है, तो कोन में पानी कितना जाएगा, जितना कोन का आयतन होगा उतने पानी इसमें आएगा, क्योंकि पानी का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, पानी का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। ये जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का शेप ले लेता है। तो यह बर्तन में रखा गया, कोनिकल बर्तन में रखा गया, तो कोनिकल बर्तन का शेप ले लिया, तो इसका वॉल्यूम वही पानी का वॉल्यूम, मतलब है कोन का वॉल्यूम। हम पानी का वॉल्यूम निकालें चाहे कोन का वॉल्यूम निकालें, बात एक ही हुआ, क्योंकि दोनों एक ही होता है। उस बर्तन में जो रखा जाएगा सामान उसका वही शेप होगा, जो उस जो लिक्विड का वही शेप होगा जो उस बर्तन का होगा, तो इसका वॉल्यूम वही होगा। अब ये जो लेड शीट इसके अंदर डाला जा रहा है, तो ये पानी चूंकि ऊपर लबालब भरा हुआ है, ब्रिम तक भरा हुआ है, तो वो पानी ऊपर गिरने लगेगा, बाहर गिरने लगेगा। क्यों गिरने लगेगा, क्योंकि वो लेड शीट इस पानी में डूबेगा तो अपना जगह बनाएगा, तो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी घटाएगा। तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी घटाएगा, तो कितना पानी हटा रहा है, 1/4 किसका, 1/4 पार्ट ये वॉल्यूम को पानी को गिरा रहा है। किसके पानी को, जितना पानी था इसके वॉल्यूम के बराबर, 1/3 πr² किसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम, 1/3 πr² वो अपने पानी के 1/4 पार्ट पानी को हटा रहा है, गिरा रहा है बाहर। तो क्यों गिरा रहा है, क्योंकि लेड शीट उस पानी में जगह बना रहा है, तो अपने वॉल्यूम के बराबर जगह बनाता है, तो अपने वॉल्यूम के बराबर जगह पानी को हटाता है। तो इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, लेड शॉट क्योंकि कई गोली डाला जा रहा है ना, लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। तो ये पानी कितना बाहर आ रहा है, 1/4 पार्ट किसका, 1/4 पार्ट किसका, इस कोन की, ये कोन है जो बर्तन है, ये बर्तन है कोन है, तो उसके 1/4 पार्ट इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 πr² ये वॉल्यूम के बराबर पानी हटा है। तो ये पानी जो हटा रहा है वो किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से ये जितना इसका वॉल्यूम है उतने ही पानी जो हटा रहा है, किसका वॉल्यूम, लेड शॉट जो गोली डाला जा रहा है उसके अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हटा रहा है। तो कितने इसमें लेड शॉट डाला गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना गया, यही में निकालना है। तो मान लेंगे यन सीट, यन लेड शॉट, और ये किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, गोली का वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³। इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, कोन का रेडियस 5 है, और जो लेड शॉट है उसकी शेप छोटा है, छोटी छोटी गोली होती, तो उसका रेडियस कम है, 0.5, उसका रेडियस 0.5 है, यहां देखो लिखा हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ 0.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे पहले r = 5 सेंटीमीटर और r₁ = 0.5 सेंटीमीटर दोनों को। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा यहां पर r² और h बचा, नीचे बचा 4 और यहां बचा n, यहां बचा 4 r₁ क्यूब बचा, हमको n निकालना है।
तो एन की वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर एच अपान, नीचे फोर बचा है और ये फोर इधर आएगा 16 हो गया, और ये आर वन क्यूब, ये है एन की वैल्यू। अब यहाँ पर वो वैल्यू रखो और सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू 5 है, 5 है तो आर की वैल्यू 5 है। आर क्या है? रेडियस ऑफ सिन, ये रेडियस ऑफ कौन, तो 5 × 5। एच, एच क्या है यहाँ पर? 8 सेंटीमीटर दिया है, एच दिया है 8 सेंटीमीटर, अपान 16 × r1। r1 क्या है? 0.5। 0.5 को हम लिख सकते हैं, 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, ये आएगा 1/2। तो 1/2 × 1/2 × 1/2, तीन बार मल्टीप्लाई करें क्योंकि क्यों है, 8 से कट गया, 2 बार में 8 × 16, ये 2 ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और इंटू 5 × 5 = 25, नीचे बचा, नीचे बचा 2, ये नीचे बचा 2, 8 से कैंसिल हो गया ना, ये कट चुका है, 5 × 5 बचा, 25 बचा, और यह 8 ऊपर जाएगा, और सब यह एक 2 बचा हुआ है, यह 2 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 4 बार में, 24 × 25 = 100, 100 गोली डाला जाएगा। तो 100 गोली जब इसमें डाला जाएगा तो 100 गोली अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हटाएगा, तो पानी जो हटाएगा उसका वॉल्यूम, तो पानी कितना हटा रहा है? पूरे वॉल्यूम का, पूरे बर्तन के वॉल्यूम का 1/4, तो पूरे बर्तन का वॉल्यूम 1/3 का है, उसका 1/4 पानी हटा रहा है, तो ये पानी हटा रहा है कि ये किसके इक्वल होता है? वो गोली के वॉल्यूम के बराबर, तो गोली का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पूर्ण की हुई, और कितने गोली डाला गया? तो एन गोली डाला गया है, तो एन हो गया, एन की वैल्यू 100 आ गया। ठीक, समझ में आ गया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स ऐसे दिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन ही दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन का स्टोरी समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हो, क्या करना है। तो क्वेश्चन का स्टोरी इस तरह से दिया हुआ है, ए सॉलिड आयरन पोल, ए सॉलिड आयरन पोल, एक लोहे का एक पोल है, लोहे का खंबा है, कंसिस्ट्स ऑफ सिलेंडर, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का बना हुआ है, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर हाइट का, ऐसे ये हाइट है 220 सेंटीमीटर, ये हाइट है 220 सेंटीमीटर का हाइट है, इतनी हाइट का एक सॉलिड, ये लोहे का है, आयरन पोल है, लोहे का है बना हुआ है, एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, इस बेस का डायमीटर 24 है, इसका 24 सेंटीमीटर इसके बेस का ये डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा इसका, इसका रेडियस हो जाएगा आर इक्वल टू, रेडियस हो जाएगा आधा, 24 का आधा 12 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, इसका 12 सेंटीमीटर रेडियस है, 24 सेंटीमीटर डायमीटर, ये बेस डायमीटर है, 24 यह भी होगा तो 24 यह भी हो जाएगा, 24 यह भी हो जाएगा, 24 यह भी हो जाएगा, एंड हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर, हाइट जो है 60 यहां तक दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, हाइट है इसका 220 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है इस सिलेंडर का, फिर आगे लिख रहा है एंड
विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया, इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया। ये बड़ा सिलेंडर है, इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर रखा गया है, तो उसका हाइट जो है 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर इसका हाइट दिया हुआ है। एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला सिलेंडर है उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है, बड़ा वाला सिलेंडर का हाइट है 220 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सिलेंडर का हाइट है 60 सेंटीमीटर। दो दो सिलेंडर है, तो एक बड़ा सिलेंडर नीचे और उसके ऊपर छोटा वाला सिलेंडर रखा गया, तो बड़े वाले का ज़्यादा होगा, तो 24 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। छोटे वाला सिलेंडर का हाइट है 60 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस जो है छोटे वाले सिलेंडर का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, फाइंड द मास ऑफ द गिवन, फाइंड द मास, मास बताना है ऑफ द पोल, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम होगा। आपको मास बताना है, मास के लिए कोई फार्मूला होता ही नहीं, मास के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हमको क्या करना है, मास निकालना है, मास के लिए कोई फार्मूला नहीं, तो हम क्या करेंगे अब, तो देखो इसी में क्वेश्चन में ही आपको सॉल्यूशन छिपा हुआ है। देखो लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का मास है 8 ग्राम, मतलब है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम का ही तो यूनिट है, और उस वॉल्यूम का मास है 8 ग्राम, इसका मतलब क्या है, हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो किसका वॉल्यूम निकालेंगे, बड़े वाले सिलेंडर का, छोटे वाले सिलेंडर का, दोनों का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकालेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, तो पूरे पोल का, पूरा पोल मतलब आयरन का, लोहे का, ये पूरा पोल लोहे का बना हुआ है, ये आयरन पोल है, ये आयरन का, दोनों आयरन का बने हुए, तो इस पूरे पोल का हमको मास निकल जाएगा, पूरे पोल का हम वॉल्यूम निकालेंगे। लिखेंगे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, कहां से पता चला, यहां पर सेंटीमीटर क्यूबिक से पता चला हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इक्वल टू वॉल्यूम, दो वॉल्यूम निकालेंगे यहां पर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर, लिख सकते हैं लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, निकाल लें इसका, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर एच, और प्लस इसका लिखेंगे पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एच पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, दोनों का रेडियस और हाइट अलग है, इसका रेडियस और हाइट अलग है, छोटे वाले का रेडियस और हाइट अलग है, इसलिए हमने कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर लिखा है। अब इसमें पर यहाँ पर पाई कॉमन मिल रहा है, पाई कॉमन ले लिया, बच गया आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ से लिख रहे हैं यहाँ से 3.14 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू है, यह है 12, तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 हो गया, और एच कैपिटल एच, इसकी एच है 220 प्लस स्मॉल आर इसकी है, इसका दिया हुआ 8 है, तो 8 इंटू 8, इस आर स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 इंटू एच दिया हुआ इसका 60। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर आएगा। अब ये मल्टीप्लाई करने में आप लोग मल्टीप्लाई घर पर करना, बहुत टाइम लगेगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो टाइम वैसे भी 1.5 घंटे का वीडियो होने जा रहा है,
तो आप लोग घर पर करना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पर इसका जो आंसर आएगा वन 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 फाइव थ्री टू पॉइंट एट सेंटीमीटर क्यूबिक में आंसर है। ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम निकला। अभी हम पहुंचे नहीं जहां हमें पहुंचना है, हमें पहुंचना है मास, इसका निकाला मास भी। तो अब देखो यहां लिखेंगे सिंस मास ऑफ वन सेंटीमीटर क्यूबिक पोल आयरन पोल मास ऑफ वन सेंटीमीटर क्यूबिक आयरन पोल 8 ग्राम है, तो देयरफॉर मास ऑफ इतना क्यूबिक मतलब है 111532.8 सेंटीमीटर क्यूबिक आयरन पोल 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 111532.8 ये ग्राम में आ जाएगा। ये सॉल्व करने पर आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करना घर पर सॉल्व करने पर आएगा 892.2624 ग्राम, ये ग्राम में आएगा, ये ग्राम में आएगा। और इसको किलोग्राम में चेंज करने करेंगे तो थालियों से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल यहां आ जाएगा। अगर इस ये ग्राम में आएगा, ये ग्राम में आएगा, अगर हम इसको थालियों से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोग्राम हो जाएगा, थालियों से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 892.262। अब ये बन जाएगा किलोग्राम, आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दें इसको, क्वेश्चन नंबर 7 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से दिया हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन की स्टोरी क्या है, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें दिया हुआ है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, यह एक सॉलिड है, सॉलिड है उस, वो कैसे बना हुआ है, एक राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन से बना हुआ है, राइट सर्कुलर कोन से बना हुआ है ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर का ये हाइट है। ये हाइट किसका है, कोन का, कोन की हाइट है, ये जो कोन बना हुआ है उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, ये कोन की हाइट है। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, यहां रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर का, ये रेडियस आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है, ये जो आर है रेडियस 60 सेंटीमीटर का है। तो यह रेडियस चाहे कोन का हो, चाहे हेमिस्फीयर का हो, चाहे सिलेंडर का हो, सबका सेम होगा, यही रेडियस कोन का होगा, यही रेडियस हेमिस्फीयर का होगा, यही रेडियस सिलेंडर का होगा, सबका रेडियस सेम होगा। और ये जो है, ये जो कोन है, ये जो कोन है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, ये जो कोन है एक हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, इस हेमिस्फीयर के ऊपर यह कोन रखा हुआ है। ये समझ नहीं करा, क्वेश्चन में लिखा स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर,
इज प्लेस्ड अपराइट, अपराइट का मतलब है ऊपर की तरफ ऐसे रखा, ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा, ये जो वर्टिक्स कोना हुआ है ऊपर हो, कोना और ऊपर रखा हुआ है इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये जो कहां रखा हुआ है, ये दोनों अब एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, सिलेंडर के अंदर में एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, समझ में आ गया। एक सिलेंडर है उसका रेडियस 60 है, उसमें एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला है, आधा गोला के ऊपर एक कोन रखा हुआ, अपराइट रखा हुआ, अपराइट का मतलब है ये वर्टेक्स ऊपर रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है, फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर। अब इसमें पानी भरा हुआ है, अब इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी कहां तक आएगा, पानी यहां आएगा, किनारे किनारे आएगा, पानी पानी यहां तक आएगा, यहां तक तो नहीं आएगा क्योंकि यहां तक कौन है, यहां हेवी स्पीयर है, आधा आधा गोला है, यहां पर कौन है, यहां तक पानी नहीं आएगा, पानी केवल इतने दूर तक आएगा। तो पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी इस सिलेंडर में आएगा। तो अगर ये नहीं होता, ये हेमिस्फीयर नहीं होता, कोन नहीं होता, तो पानी डालते तो पूरा का पूरा पानी सिलेंडर में आता, तो पानी का वॉल्यूम या सिलेंडर का वॉल्यूम सेम होता। लेकिन इसमें यह कंडीशन नहीं, ये यहां पर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ आधा कटोरा और इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ, तो ये दोनों कोन अपना जगह बनाए हुए, तो इसमें पानी आएगा, पानी तो इतने ही में आएगा, तो हम पानी का वॉल्यूम निकालेंगे, तो पानी का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इक्वल टू होगा क्या करेंगे, इस पूरे का वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम मतलब क्या है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, ये कोन का, ये कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर है, और ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ये जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इस कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो ये इतना जगह में पानी बचा हुआ है, इतनी जगह में पानी आएगा। तो यहां पर आर क्या लेंगे, आर सबके लिए 60 होगा, यच क्या होगा, यच क्या है, यह हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इसमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कोन की हाइट 120 है, कोन की हाइट 120 दिया हुआ है, और सिलेंडर हाइट ऑफ द सिलेंडर 180 दिया हुआ है, तो यहां पर एच दिया हुआ है, ये मान लो इसका हाइट है, कैपिटल एच कर दो, तो कैपिटल एच की जगह पर क्या रखेंगे 180, कैपिटल एच की जगह पर 180 रखेंगे, और स्मॉल एच की जगह पर क्या रखेंगे, यहां पर 120 सेंटीमीटर, और आर की जगह पर क्या रखेंगे 60 रखेंगे, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 60, तो 60 × 60, और एच की वैल्यू है यहां पर 180 माइनस 1/3 कामन ले लो, पाले कामन ले लिया, और यहां पर आर भी कामन मिल रहा है, आर स्क्वायर कामन ले लेंगे, पाई भी कामन मिल रहा है, पाई भी कामन ले लेंगे, तो बचा क्या, एच बचा और प्लस यहां बचा 2 बचा और आर बचा, ये दोनों कटेंगे नहीं, सेम दिखेंगे, 6 × 36 3600 इंटू 180 माइनस 1/3 इंटू आर की वैल्यू 60, तो 60 × 60 दो बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, और पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू स्मॉल एच की वैल्यू यहां पर रखेंगे, ये 120 है, ये रखेंगे 120 प्लस 2 × r की वैल्यू 60 है,
सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, आप लोग घर पर करने का कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, हम करेंगे तो बहुत सारे टाइम लेंगे, वैसे वीडियो दो घंटे का होने जा रहा है। तो सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा कुछ इसका आंसर आएगा, आप लोग कर लेना घर पर कैलकुलेट करना। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट आते हैं, क्वेश्चन नंबर एट पर आते हैं। क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर एट उसके बाद से साफ करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर एट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। क्वेश्चन नंबर एट है, पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, उसके बाद से क्वेश्चन की स्टोरी समझ लीजिए, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, ये जो है ग्लास वेसल है, इस तरह का स्फेरिकल है, स्फेरिकल ग्लास वेसल है ये, इस तरह का है जो सिलिंड्रिकल नेक, यहां से यहां तक सिलिंड्रिकल नेक, यहां से यहां तक सिलिंड्रिकल नेक, इसका गर्दन जो है, ये गर्दन जो है वह सिलिंड्रिकल है यहां से यहां तक, और वह 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका हाइट हो गया, ये इसका हाइट हो गया, किसका हाइट, सिलेंडर का, ये सिलेंडर की हाइट हो गया, और इसकी डायमीटर, इसकी इसका ये जो सिलेंडर, इसका डायमीटर भी होगा, इसका डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, ये जो स्फेरिकल पार्ट है, ये डायमीटर, ये जो स्फेरिकल पार्ट, इसका डायमीटर दिया हुआ 8.5 दिया, ये डायमीटर 8.5 दिया हुआ, तो रेडियस हो जाएगा उसका आधा, रेडियस हो जाएगा r इक्वल टू 8.5/2, ये आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस हो जाएगा, इस किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर पार्ट का रेडियस हो जाएगा। By measuring the amount of water it holds, अब इसमें पानी डाला जा रहा है, कहां से पानी डाला जा रहा है, सिलेंडर से होता हुआ इस स्फीयर तक आएगा, स्फीयर तक आएगा पानी, मतलब पानी डालेंगे तो पूरा ये भर जाएगा, पूरा ये भर जाएगा, ये स्फीयर पोर्शन भर जाएगा, सिलेंडर पोर्शन भर जाएगा पानी से। तो अभी चूंकि यह लैब का इक्विपमेंट होता है, तो इसमें कैलिब्रेशन होता है, मतलब नंबर लिखा होता है, इसमें नंबरिंग होता है, कितना सेंटीमीटर क्यूबिक पानी है, कितना एमएल पानी है, लिखा होता है। तो एक ये चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345, इसकी वॉल्यूम निकालता है, इसको निकालता है तो वॉल्यूम आता है 345 सेंटीमीटर क्यूबिक। चेक वेदर द वेदर शीट करेक्ट, अब चेक करना है कि वो सही है कि गलत है, चेक करना है। तो हम निकालते हैं पानी का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ये जो 345 पा रहा है, ये कहां से पा रहा है, निकाल ये इसका वॉल्यूम निकाल कर, इसका वॉल्यूम निकाल कर नहीं पा रहा है, ये इस पर लिखा होता है, इस पर ये जो मेजरिंग फ्लास्क है, इस पर ये नंबरिंग लिखा होता है कि ये कितना सेंटीमीटर क्यूबिक पानी है, तो इस पर यहां तक मान लो पूरा पानी भरा होता है, इसको लिखा हुआ है 345 सेंटीमीटर क्यूबिक पानी आ रहा है, लेकिन आप कैलकुलेट करो इसका वॉल्यूम निकाल करके, उतने ही आना चाहिए, अगर उतने ही आ रहा है जितना 345 है, जितना इस पर लिखा हुआ है, और हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें, दोनों को ऐड करें, तो वॉल्यूम भी उतने ही आएगा, तो ये करेक्ट है, और अदरवाइज वो रॉन्ग होगा। तो शुरू करते हैं वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम आप मेजरिंग फ्लास्क, ये मेजरिंग फ्लास्क क्या है, ये पूरा सिस्टम जो है मेजरिंग फ्लास्क है, ये पूरा मेजरिंग फ्लास्क, इस पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई इसकी इसका रेडियस कुछ और होगा, इसका रेडियस कुछ और होगा, स्मॉल आर लिख रहे हैं, और स्पीयर का वॉल्यूम कुछ और होगा, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस कुछ और होगा, इसका रेडियस कुछ और होगा, इसका रेडियस कुछ और होगा, सॉल्व करते हैं, पाई पाई कॉमन ले लिया, आर स्मॉल आर यहां पर दिया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, प्लस 4/3 पाई तो वहां गया, कॉमन में चला गया, बचा आर क्यूब, आर क्यूब इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 4.25 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 4.25 को लिखेंगे 425/100, दो डेसिमल दो जीरो बढ़ गया नीचे, डिवाइड किया, अब ये 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 5 से काट लो, पहले 5 नहीं काटने आ रहा, 5 से काटो, 5 हो गया 40, 5 से कटा 21, फिर 5 से कट जाएगा 17 बार में, 5 से कटा 4 बार, 17/4 आएगा, तो 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 3 बार लिखेंगे, कोई क्या क्यों है, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, 3.14 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8, और ये प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 17 अपान बचा 4 3 4 4 16 3 48, सॉल्व करने के बाद आंसर इसका आएगा, इस आंसर इसका आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर इतना है। अब इसको अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये हम जब कैलकुलेट किए इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किए तो इतना वॉल्यूम आया 346.5 आया, और ये जो लड़का था ये लड़की थी ये इसको मेजर की, यहाँ पर लिखा हुआ था ऐसे नंबरिंग होता है, ऐसे नंबरिंग होता है इस तरह से, तो यहाँ पर लिखा हुआ था 345 और ये है 346.5, ये लगभग रॉन्ग है, यहाँ पर ये जो आया है 346 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 347 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो हम कैलकुलेट किए हुए आया है, और ये जो इसमें मेजरिंग हुआ है मेजर की है ये 345 है, तो 347 और 345 में डिफरेंस है, दोनों में दो पॉइंट का डिफरेंस है, इसमें 2 सेंटीमीटर क्यूबिक का डिफरेंस है, इसका मतलब है जो ये मेजर की वो गलत है, वो रॉन्ग है, ये है रॉन्ग, इसको लिखेंगे रॉन्ग, क्योंकि ये 347 है लगभग और ये है 345, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो।